क्योंकि प्राइवेट आदमी अपना स्वार्थ के लिए गलत कर सकता है। और ये एक ऐसा चीज है कि अगर बहुत कोई गांव में घुस जाएंगे ना तो 1000 में से एक ही आदमी को पता है कि ये जो है पैमाना इसका चेंज भी होता है और इस लाइन का मतलब क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर कर दिया ना, कैसे कैसे इसमें 2 नंबर का काम होता है वो भी बताते हैं। नक्शे से सब काम कर देता है और सामने वाले के साथ डकैती कर लेता है, क्या कर ले जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। और सही सही सब कुछ करते हैं, लेकिन पैमाना एक ऐसा चीज है, अगर वो समझ में नहीं आया तो आपको, अगर आप जमींदार है या आपके पास आप मतलब रैयत है, ठीक है, खेतिहार वगैरह, खेतिहार सब किसान को ही बोला जाता है, अगर वो है तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। कैसे होगा, पहले सबसे पहले अगर पैमाना का समझ नहीं है, क्या चीज का, तो 16 इंच बराबर 1 मील होता है क्या, 16 इंच बराबर 1 मील होता है, तो ये क्या करेंगे, पैमाना को चेंज कर देंगे। और जब पैमाना चेंज होगा तो इसका नियम जो है ना बदल जाता है। क्या होता है, नियम बदल जाता है, ठीक है। वो चीज आप लोग को पैमाना पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में देखेंगे पैमाना होगा। आप लोग के सिलेबस में है, आप लोग के सिलेबस में पैमाना होगा, ठीक है, पैमाना पढ़ाया जाता है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और गूगल सुनिए, कोई भी गुनिया लेंगे, क्या करेंगे, कोई भी गुनिया लेंगे ना, तो गुनिया को जो है ना यहाँ पे आप भिराएंगे, देखिए ढला सर, देखिए इस साइड जो है ना, आपको 2 इंच वाले गुनिया को यहाँ आप नाप सकते हैं, और 2 इंच वाले अगर कोई वेरीफाई हो जाएगा तो उससे आप जो है ना स्केल गुनिया जो 6 इंच का होता है, जिससे 30 जरीब तक क्या कर सकते हैं, नाप ही कर सकते हैं, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, समझ गए, ये नक्शा का नियम है, समझ गए। हाँ, आप जो है आपका कोई क्वेश्चन था, बोले सीधा लाइन सर, जैसे इसमें रेलवे दिया हुआ, जहाँ पे रेलवे नहीं दिया हुआ रहेगा उस जगह पे कैसे हम रोड देखिए रोड पकड़ेंगे, जैसे सुनिए जैसे जैसे गया होगा ना, जैसे जैसे गया होगा आप उसी उसे आपको नापी करना है। अब इसमें कौन ऐसा लाइन है जो पूरे सीधा है, आपको कोई भी देखिए आप कोई प्लॉट पकड़ लेंगे, क्या करेंगे, हम सीधा इसलिए बोले हैं कि आप लोग आसान तुरंत कर लेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, कोई भी खेसरा ले लेंगे और खेसरा का जो है ना चारों बगल, मतलब आपको 80 जरूर कितना इंच में पूरना है, चाहे वो आप टेढ़ा नापी कीजिए या सीधा कीजिए, जैसे कोई प्लॉट है, सुनिए कोई प्लॉट है, अब वो मान के चले चार प्रकार का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे कि जो ज्यादा बड़ा या कि खेसरा हो, जो ज्यादा बड़ा प्लॉट हो उसको पकड़ेंगे, ज्यादातर रोड को पकड़ेंगे, और नहीं तो इस साइड में देखिए थोड़ा स्पेस बनाइए, नहीं दिखेगा किसी को, इस साइड में देखेंगे दाहला है, क्या है, देखिए दाहला है, दाहला का नियम है कि 10-10 जरीब के अंतराल पे यानी दूरी पे नहीं दिखता है, सबको नहीं दिखता है, देखिए प्लस का चिन्ह है दाला, ये प्लस का जो चिन्ह है ना, देखिए नक्शा में रहता है, दिख रहा है आप लोगों को, दाला तक माफी कर लेना है। हाँ देखिए, तो दाला का जो एक दाला से मतलब प्लस एक नहीं समझ में दाला आता है, समझिए प्लस का जो चिन्ह है उसको दाला कहते हैं, तो एक प्लस से दूसरे प्लस के दूरी में 10 जरीब का अंतर होता है, तो हमको 80 पुराना है तो गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए यहाँ तक 8 है ना, ये कितना जरीब हो गया, 80 जरीब से पीछे वाला दाहला तक ऐड कर लेना। हाँ समझ गया, मतलब दाहला पकड़ लेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना कुछ नहीं करना होगा, यानी मेर सड़क कुछ नहीं खोजना होगा, दाहला से आप तुरंत चेक कर लेंगे। सर ये जो है तो यहाँ से यहाँ एक हुआ था 2 इंच हुआ, यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इधर बढ़ जाएगा 16 इंच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका 16 इंच पे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 32 पूरेगा तो 32 नहीं रहेगा तो नापी कैसे करेंगे, ये नहीं रहेगा तो जैसे ये कटिन इसमें अगर मिले उसमें नापी करना, ओरिजिनल नक्शा है उसमें कैसे पकड़ेंगे, अगर ओरिजिनल नक्शा है अगर ये दाला नहीं है तो नहीं है तो हम अभी बताए हैं क्या करेंगे, जैसे ये मेर है, जैसे ये मेर है, ये हाँ ये मेर को पकड़ेंगे, ठीक है, ये मेर को एकदम साइड साइड नापी करते चले जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, सबको कैलकुलेट आपको करना होगा, जैसे ये मान के चलिए सड़क है ना, ये सड़क को क्या करेंगे नापी करते चले जाएंगे, आप इसमें देखेंगे, देखिए पहला बात है 3 ही प्रकार का बनाया जाता है, 16, 32, 64, ठीक है, तीसरा के अलावा आपको कुछ और मिलेगा नहीं, और तीनों में फासला कितना कितना का है, 16 का है, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा ये 16 का है,
अगर इधर उधर हो जाएगा एक के बाद तो दुगुना का अंतर नहीं आ जाएगा अगर आपसे कुछ गलती होगा तो। ठीक है, तो आराम से आप पता कर सकते हैं। ऐसा हम सबसे अहम चीज यही होता है, समझ गए ना, अमीन नक्शा का गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम होता है। जो नक्शा बोलेगा वही करेगा, अपना मन से करेगा तू गलती करेगा। क्या करेगा? गलती करेगा। ठीक है, कब्जा नापी, पोजीशन नापी अलग चीज है, लेकिन नक्शा नापी अलग है। सर जमीन से नक्शा को मिलाना और नक्शा को नक्शा से सर जमीन को मिलाना वो अलग चीज है। पोजीशन नापी में जाएंगे, रकबा निकाल देंगे, इतना दूर इतना कट्ठा, ठीक है, जितना डिसमिल है उसको बता देंगे, ये लाइन यानी ये आपको जो है बाउंड्री लाइन इतना है, ये इतना है, ये इतना है, कर देंगे। ये पोजीशन नापी है जिसको कब्जा समझे, जो जमीन पे कब्जा रहता है, कब्जा पोजीशन जो रहता है ना कब्जा, उसको नापी करना, नापी करके वो बता देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पोजीशन नापी। जैसे कब्जा जमीन जो भी रहता है, जो भी व्यक्ति कब्जा किए रहते हैं, जैसे अधिकतर जमीन ये 80% जो है ना, जब घर बना रहता है तो पोजीशन नापी ही होता है 80%, और शहर में अधिकतर पोजीशन नापी होता है शहर में। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे उस इतना समझना चाहते हैं कि जमीन कितना कट्ठा है, कितना मतलब दूर है, बस उतना ही जानना। लेकिन बहुत ऐसे आदमी है, ठीक है, कि वो तो पहले वो क्लाइंट को नहीं बताएंगे, लेकिन वो नापी नक्शा भी करेगा, ठीक है, नक्शा भी करेगा और पोजीशन भी करेगा, मतलब खुद को एक संतुष्ट करने के लिए ऐसे ऐसे भी नापी होता है। तो ये जो है ना, ये आप लोग को ऐसे भी ये नक्शा जो है ना पढ़ाया जाएगा, ये सब आज आए हैं, ठीक है, ये सब आज आए हैं और आप लोग पुराने हैं, ठीक है, तो आप लोग सारा काम तो करना जानते हैं, जो भी कुछ है, जैसे मुश्किल से नापिया और मेर कायम करना नहीं जानते हैं, वो छूटा हुआ है आप लोग का, तो वो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे, लेकिन ये सब अभी जीरो लेवल से है। अगर आप चीज आप लोग जो पढ़ लिए हैं, अगर वो चीज में अगर डिस्कस करते तो इन सबको भी समझ में नहीं आता। अब जो है नए स्टूडेंट का काम यहाँ समाप्त है, जिनका बैच आज है, ठीक है, अब पुराने का थोड़ा हम टेस्ट लेते हैं, समझ गए, और वीडियो बन रहा है दोनों मोबाइल में वीडियो, ठीक है, तो आप आराम आराम से जो है ना, आप लोग जो है ना, जितने व्यक्ति है, कितने आदमी है पुराने अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अनुमान 30 है, 3 ग्रुप बनाइए, आप लोग 3 ग्रुप बनाइए, पच्चीस पचास का 2 इंची वाला होता है, 6 इंची वाला स्केल गुड़िया होता है, उसमें भी 25-50 समझ गया, जो भी मिले 25-50, ठीक है, ये नक्श देखिए, अभी ये सारे चीज आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा, और क्या होता है नहीं होता है, वो जो होता है ना, देखिए आदमी का डॉक्टर होता है, मवेशी का डॉक्टर होता है, आप लोगों को जमीन का डॉक्टर बनना, क्या जमीन का, जमीन का डॉक्टर बनना, ठीक है, ये टेक्निकल नॉलेज है, जमीन का डॉक्टर है, अमीन को जमीन का डॉक्टर हम बोलते हैं, ठीक है, और ये आने वाले समय में जो है ना, अमीन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, हर आदमी को घर में रहना है, बाहर में तो रहना नहीं है, खेत पथार में नहीं रहना, जितना बार घर बनता है उतना बार तो नापी होता ही है, और जितना बार बगल वाला घर बनाएगा उतना बार नापी आपको भी कराना पड़ता है कभी कभी, समझ गए ना, ये चलता ही रहता है। और ये जो है ना, आप अगर तैयार हो गए, अमीन बन गए, तो अपने वंश को सौंप के जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर आपको हो जाते हैं तो सौंप के नहीं जा सकते, वो आप ही तक सीमित है, ठीक है, तो आपको जो करना है जैसे करना है कीजिए, लेकिन इसको कम से कम इसको पकड़ के चलिए, सब कुछ साथ छोड़ देगा, लेकिन ये आपको साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये आप जहाँ गांव में रहे, शहर में रहे, ये हर जगह चलने वाली चीज़ है, समझ गए ना, हर जगह चलने वाली चीज़ है, चलिए ठीक है, आप लोग अगर रहना चाहेंगे तो रहिए, लेकिन इन सब का ग्रुप बना के थोड़ा हम टेस्ट लेते हैं, और आप लोग आराम छा में रहिए, और जिन सब का जो जैसे अपना व्यवस्था करना है कीजिए, ठीक है, अनिकेत जी, तो आराम से आप रहिए, ठीक है ना, उसके बाद साथ ही निकल जाएंगे, ठीक है, आराम से एक तुम बोल दिए तो कौन कौन बोल रहा था सो अमरदीप हो गया नहीं है पानी पी काम
इसमें से कोई कैमरा से लेगा, ड्रोन कैमरा लेके आई जी सर। वन टू जी सर, आप इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है।